नाम भी है तो? कुशो सामल। अच्छा, कहाँ के होते? ग्राम सरेपतरा। सरेपतरा, हाँ। अच्छा, अभी कांग्रेस के कार्यकाल रहे सब छत्तीसगढ़ में, हाँ, का का विकास हुई तुम्हारा? का के विकास वो सब तो गली हर पड़े है, गड्ढा गड्ढा हो गए, टंकी भी बनाते सब अधूरा करके पड़े है। कौन सा टंकी रहा अधूरा पड़े है? जो ये पानी टंकी। अच्छा, पानी टंकी, हाँ। पीछे बना था ऐसे है? हाँ, ऐसे बने है। अच्छा, हाँ। तो घर घर में पानी पहुंची से कि अभी तक नहीं पहुंची से? घर घर का पानी कहाँ पूरा होल तो पहुंची नहीं से, पानी टंकी से नहीं पूछे कहाँ से नल पहुंचे है? नल हर पहुंच गए। अच्छा, और रोड में क्या स्थिति है? ना, रोड के बादला निकलगा बहुत गड्ढा हो गए। हाँ। और जो कोड़े हैं जो, हाँ, वो कोड़ दिन है जो ढले वाला पूरा उफाड़ के फाड़ दे, वो तो और गड्ढा गड्ढा हो गए। सीसी रोड मतलब कोड़ दिन है? कोड़ दिन है, और मरम्मत कुछ नहीं है, उसे परे है। अच्छा, के महीना के साल हो गए से स्थिति है तुम्हारे गांव? के साल तो है, एक साल होते। अच्छा, एक साल? हाँ, एक साल है। अच्छा, तो किसान हस्ते है? मैं किसान हूँ जी। धान वान बेचे हो गए थे? अरे यार, मैं धान 80 डिसमिल मेरा जमीन है। अच्छा, हाँ। तो बता देता हूँ, 80 डिसमिल जी, मैं रसोड़ा सोसाइटी के सदस्य था 10 साल से। हाँ। और भूपेन बल्ले को पीड़ा में बहुत सुना हूँ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई से। 56,64,000 ऋण मुक्ति ला सब खा के बर्बाद कर देने कर्मचारी लोग। अच्छा, रसोड़ा सोसाइटी की बोला शिकायत कर रहे हैं भूपेन बघेला। अरे कलेक्टर, जल्दी इसको माने जांच करो। कहाँ के? कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, किनका ऋण मुक्ति था 56 लाख? अरे किसानों का ऋण मुक्ति 2007-08 मनमोहन सिंह उसी समय में प्रधानमंत्री था। हाँ। हाँ, उसी समय में सदस्य था, 10 साल सदस्य था जी। वो किसान लोग का ऋण मुक्ति जब नहीं मिला ना, हाँ, मैं किसानों को सबको बुलाया, हाँ, मीटिंग किए, तो ये लोग कोई लगठा ला नहीं आए सब भागे। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ था? मैंने किसानों ऋण मुक्ति 2007-08 का किसान के छूट था ना, अकाल था उसी के 2007 मनमोहन सिंह के, तो वो छूट ला अभी तक नहीं मिली से कोई ला। केंद्र सरकार ने छूट किया था 2007-08 में, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भैया। अच्छा, आसपास के और सोसाइटियों को मिला था ये लाभ? भाई आसपास का सोसाइटी, हमारे सोसाइटी को बोल सकूंगा जी? दूसरे, हाँ हाँ, मतलब आप ही सोसाइटी को लाभ नहीं मिला? आप नहीं मिला, कर्मचारियों की वजह से बोल रहे हो? हाँ। और कुछ था? नहीं नहीं, देखो क्या हुआ उन पैसों का, वो पैसा वापस चला गया या उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हो गया भाई, कहाँ गया क्या है जो हमें तो उससे मालूम नहीं है। पैसा उधर से आया था लाभांश, ऐसे कह रहा है आपका? हाँ, जब छूट आया था ना, हाँ, 56,64,000 बोल रहा है ना, गबन वाले कुछ बात है क्या? सब गबन है, सब खा दिए उसको, गबन है वो तो, गबन है। उस टाइम कौन थे? मनमोहन सिंह। नहीं मतलब यहाँ कौन कौन कर्मचारी सोसाइटी प्रबंधक कौन थे? प्रबंधक था हजारू बोलते हैं उसको, हजारू उसी समय था, व्यवस्थापक था वो हजारू रही, हजारू का नाम। आपने जब उपेंद्र बघेल को शिकायत किया तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया इसमें? एक्शन अरे कलेक्टर के ही मतलब पूछिस बहुत। हाँ, रमन सिंह पास गए था क्या? मैं 4 बार गया था साहब जी, 4 बार कोई सुने नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद रूप कुमारी विधायक के पास गया, एक तो एक लड्डू एक तो गिलास पानी दे दिया। हाँ। हो गया, तो केस चलता था यहाँ पर, केस भी चालू किया, तो चाचा जी क्या करूँ, SDM आपका विधायक और कलेक्टर मेरे को दबा डालने में, क्या करूँ अब, क्या करूँ ऐसे बोला, और लिख करके दे दिया। हाँ, लिख कर दे दिया, आपका एक तरफिया कर दिया हूँ, जाओ ऐसे से पास जाना। किसी भी प्रकार का कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई? कुछ आते हैं जी, जांच कार्रवाई आते हैं, मेरे को बिना बुला के भाग जाते हैं, उसको क्या करोगे, उल्टा दबा डालते, क्यों बार बार रिपोर्ट करते हो? अरे किसान का सदस्य मैं तो बनाए हैं, तो किसान लोगों के तरफ जब नहीं बोलोगे तो कैसे बनेगा? वैसे तो है पीड़ा में शायद मुख्यमंत्री ने दोबारा हाँ हाँ मुख्यमंत्री 2 हेलीकॉप्टर में आए थे, मैंने पूरा कर्मचारी सब थे और सब शिकायत किया था वहाँ पर। जांच हुई उसके बाद? कहाँ जांच और कहाँ नहीं आए ना। अच्छा। हाँ, जांच नहीं हुआ है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में। हाँ, विधानसभा की स्थिति क्या है, किसका माहौल चल रहा है, कांग्रेस का कि बीजेपी का? भाई जो अच्छा काम करा उसका चलेगा। अब मैं कांग्रेस कार्यकाल में अच्छा विकास काम देखने को, कहाँ के विकास, गड्ढा हो रहा है ना, जितना गली गड्ढा हो रहा है। स्थानीय नेता लोगों की बात करें तो कांग्रेस के लोग राजा साहब लोग जनसंपर्क में है, जो विधायक जी उनको जानते हैं आप? अरे जानते हैं, उसके आपको विधायक को बोला, आपके पास गया था, आप सुना विधायक साहब कहें, कुछ नहीं बोला। अच्छा। हाँ, सब पास किया हूँ रिपोर्ट सब किया, क्या करूँ, किसान के लिए मैं लड़ रहा हूँ भाई। आप क्या कह रहा हूँ? मेरा नाम जसपाल साव है जी, ग्राम नाव गाँव से। अच्छा, तो
विधानसभा चुनाव क्या स्थिति है, किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है आपको? वैसे तो कांग्रेस की सरकार बढ़िया काम करी है अभी जो पिछली में जी। बाकी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं देवेन बहादुर जी वो ठीक नहीं है। अच्छा जी, मतलब कभी गांव तरफ आते नहीं जी, और कभी झांकते तक नहीं। अच्छा। समझो, बाकी जो बघेल जी का कार्यकाल बढ़िया रहा। जब मतलब फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, कांग्रेस की सरकार बने, बाकी विधायक को हम अच्छा। बदलना चाहते हैं। सर किस प्रकार, किस तरह से विधायक देखना चाहते हैं आप? जी अभी तो बीजेपी में जो संपत अग्रवाल जी हैं जी, बढ़िया ये कर रहे हैं, जन मतलब आ रहे हैं और बढ़िया ठीक हैं। अच्छा जी। हाँ। तो क्या लगता है, उन्हें टिकट भाजपा देगी और जीत सकते हैं? अब दे सकते हैं और देना चाहिए अगर बीजेपी को जीतना है तो। अच्छा, अगर संपत के सिवाय किसी और को देंगे ना तो बिल्कुल बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा। कांग्रेस ही बाजी मार लेगी। जी। सर आप किसान हैं? जी जी। तो भाजपा 3000 क्विंटल मतलब समर्थन मूल्य में करने की घोषणा, मतलब घोषणा तो नहीं थी, ऐसी बात सुनने मिलता है जी, क्या लगता है मतलब? जी एक बार और बोलिए। भाजपा मतलब 3000 क्विंटल करेंगे ऐसे कहते हैं वो लोग, कैसे जी बघेल रहेगा कि? हम जी परसों महासमुंद गए थे, बघेल जी आए थे जी, ये राजीव गांधी के जन्म ये में जी, तो 3200 करेंगे कि बोले हैं। अच्छा, कांग्रेस? जी कांग्रेस, कांग्रेस बोले हैं, मतलब बघेल जी बोले हैं जी जी, जी। तो बिल्कुल कांग्रेस का ही मतलब लग रहा है इस बार फिर। अच्छा, जो भाजपा घोषणा करेगी उसमें किसान लोग भरोसा नहीं करेंगे इस बार? नहीं करेंगे, क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल में सर 2 साल का बोनस नहीं मिला जी, किसानों का नहीं मिला, तो किसान बिल्कुल भड़क गए। अच्छा जी। तो इसलिए कांग्रेस ही मतलब दावेदार लग रहा है। सर मेरा एक सवाल और था संपत अग्रवाल जी को लेकर जी, क्या किस तरह से मतलब जनहित वाला कार्य कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? ये सर कई तरह से सर, मतलब ये जैसे कोई जैसे ये दुर्घटना हो गया सर तो उन्हीं की गाड़ी चल रही है, मतलब मुफ्त में इलाज, मतलब सब सुविधा दे रहे सर। अच्छा जी। और जिसको जैसे वहाँ कार्यालय में मैं गया था एक दिन जी, तो कम से कम 10-15-20 मतलब गरीब लोग वहाँ बैठे हैं और कुछ न कुछ सहायता के लिए। अच्छा। और उनको मिल रहा है जी, मतलब संपत अग्रवाल जी अच्छा काम कर रहे जी, हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे अगर उनको टिकट मिलती है तो बिल्कुल बिल्कुल जीत सकते हैं सर, विधायक बिल्कुल। सर अभी विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनते दिखाई दे रहा है? देखो तो मैं क्षेत्र क्रमांक 13 का जनपद सदस्य हूँ, जनपद प्रतिनिधि हूँ, मेरे मिसेज सदस्य हैं और मैं सर्व आदिवासी समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरे एरिया कम से कम 20-25 गांव आता है, माने जो जनपद क्षेत्र जो है 10 गांव का है, वो 4 पंचायत का जी। तो मेरे 4 पंचायत में मेरे को जो फंडिंग मिला शासन से वो तो बहुत कम राशि मिलता है हम लोगों को, जो कि माने कोई पंचायत को माने दोगे, इस पंचायत को दोगे, उस किस पंचायत को देना है हम समझ में नहीं पाते, क्योंकि हमको 4-3 लाख से ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलता। अच्छा, एक जनपद सदस्य को 3-4 लाख से फंडिंग ज़्यादा नहीं मिलता? नहीं मिलता पूरा कार्यकाल में कि एक साल में? एक साल में। अच्छा, एक साल में? एक साल में 3-4 लाख। हाँ, 3-4 लाख में फंडिंग तो ज़्यादा आता है जी। लेकिन जो संगठन है हाँ, जिसमें अध्यक्ष लोगों का जो संगठन जो अध्यक्ष हैं वो संगठन वाले उसमें का ज़्यादा ले जाते हैं, कोई 10 कोई 5 कोई 15 ऐसे करके। अच्छा। और जो विपक्ष में रहते हैं उनको ना अपने हिसाब से देते हैं, किसको 2 लाख, किसको 3 लाख, किसको 4 लाख, तो उसमें परेशानी आता है। अच्छा। हम लोगों को देने में क्या है कि 4 पंचायत में अगर हमको 4 लाख रुपया जो राशि आवंटन होता है, भेदभाव को? हाँ, भेदभाव, हाँ भेदभाव होता है हमेशा, हमेशा भेदभाव होता है और हर ब्लॉक में होता है यही चीज़, माने हमारे बसना ब्लॉक की बात नहीं है जनपद। हाँ, उपाध्यक्ष लोग मतलब राशि ले रहे हैं, हाँ बाकी सदस्य तो कम राशि, हाँ कम राशि देते हैं, उसमें ना हम लोगों को दिक्कत आता है। देखो तो राजनीति में सब करते हैं नाटक, निकलने के बाद पर जब सुबह होता है तो फिर भाईचारा के नाते रहते हैं, लेकिन इसको ना सालों साल ले जाते हैं माने ये में, इसलिए ना भेदभाव करके ऐसे करते हैं, तो हम लोगों को उस चीज़ में दिक्कत आता है कि हमारे जो जनपद क्षेत्र का विकास हम लोग जितना हिसाब से करना चाहिए उतना हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते। अच्छा, अगर 4 लाख रुपया मिलता है तो 4 पंचायत है तो 1 लाख में कुछ भी नहीं होता, अगर 1 पंचायत को दोगे तो दूसरे पंचायत खाली है,
दूसरे पंचायत के दोगे तो तीसरे पंचायत खाली है, माने इस ऐसे खाली ही रह जाता है और पूरा 5 साल निकल जाता है। अच्छा जी। हाँ, उसमें ना विकास का स्थिति नहीं दिखता है। और हमारे जो बड़े भाई साहब बोले वो मेरे पंचायत अंडर के हैं, माने सरईपत्रा गांव का है। मेरे सरईपत्रा गांव में अभी भी जाकर आप देखो गांव के गली में कम से कम माड़ी से घुटवा से ऊपर पानी भरा हुआ है। मैं ना मेरे को इतना माने हताश लगता है कि मैं जाना छोड़ दिया हूँ उस गांव को, क्योंकि हम लोगों को इतना अपने बच्चे अपने माने गांव के मुखिया समझकर प्रेम से हमको चुनाव लड़ा कर भेजते हैं, जीता कर भेजते हैं, लेकिन उनका समस्या हम लोग समाधान नहीं कर पाते। अच्छा, बजट नहीं मिलता। हाँ, बजट नहीं मिलता। अच्छा, और फिर जैसे हाँ, जनपद को 15वीं का बजट मिलता है, 14वीं का मिलता है, आपकी ग्राम पंचायत के वो लोग आपके अंदर में आते हैं, मतलब तो क्या लगता है, मतलब और विकास तो हुआ का और मत से जैसे विधायक मत है, 14वीं से 15वीं से मनरेगा का काम है, तो उसको ना मंत्री सड़क योजना है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, उसको ना हम लोग जनता के माध्यम से, हमारे गांव ग्रामीण के माध्यम से, हमारे जो MLA साहब हैं राजा देवेंद्र बहादुर, या तो हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्री जी हैं, उनके यहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन उधर से बजट ही पास नहीं होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ 3 लाख रुपया में अटक गए हैं ना भाई। तो फिर भी मेरा सवाल ये है और हाँ, कि अभी किसकी सरकार बनेगी? देखो तो अभी वर्तमान में तो दिख रहा है हर तरफ की कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। हाँ, क्योंकि हमारे किसान लोगों का बहुत विकास हुआ है, किसान लोगों का हुआ है विकास, जनताओं का नहीं हुआ है विकास, किसान लोगों का विकास हुआ है। जनताओं का विकास उसमें होता है अपना रोड, गांव का सुरक्षा, तो कोई भी गांव अंडर से जब रोड निकलता है तो वहां कोई विकास नहीं दिख रहा है। हम लोग गन्ने केरा से बसना जाते हैं तो कीचड़ से चल कर जाते हैं, तो हमारे बच्चे लोग कीचड़ में जाके कितने दिन तक जाएंगे बसना को, जैसे शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। तो मतलब किसान वर्ग हाँ किसान वर्ग खुश हैं, क्योंकि हमको 2800 रुपया में धान बेचे हैं, हमारा कर्जा माफ हुआ है, और अभी भी हमारे भूपेश बघेल माने देने वाले हैं जो भी घोषणा की है। और विकास तो हुआ है, और विकास इसलिए नहीं दिख रहा है कि विकास जहाँ होना चाहिए विकास वहाँ नहीं हो रहा है। कांग्रेस में बसना से कौन कौन टिकट की मांग कर रहे हैं, नाम पता पाएंगे क्या? मैं तो उसके बारे में मैं नहीं जानता भैया, माने किसको किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है, मैं ये बता सकता हूँ। दावेदारी कर रहे हैं इस टाइप का? देखो तो अभी फिलहाल BJP से संपत अग्रवाल जी माने बहुत दौरा कर रहे हैं, है? और सुनाई में आ रहा है कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, क्या बोलते हैं उनको, एन के अग्रवाल भी दौरा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे BJP से माने दौरा कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे कांग्रेस से हमारे सिर्फ एकलौता राजा साहब ही दिख रहे हैं जी। और हमारे फुलझर स्टेट का राजा हैं जी। और उनका अधिकार है कि वो बसना विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो बसना विधानसभा का निवासी हैं, क्योंकि हमारे फुलझर राज का हर वर्ग का राजा हैं वो, हमारे आदिवासियों का ही नहीं, हर वर्ग का, जो फुलझर राज में जो वासिंदा है सबका राजा हैं वो। और उस स्थिति में हमारे राजा साहब बसना विधानसभा से, उनका अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, वो डंके के चोट में चुनाव जीतेंगे, चाहे कुछ भी कर लें BJP, चुनाव तो राजा साहब जीतेंगे ही जीतेंगे, जो भी हथकंडा अपनाएंगे राजा साहब जो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो हमारे राजा साहब हैं पूरा फुलझर राज का, और उनका अधिकार बनता है। और राजा साहब को छोड़ के अभी जो भी हो रहा है वो तो सब चलेगा, लेकिन जब राजा साहब का मिल जाता है टिकट पार्टी से तो कोई भी जनता दौरा करते हैं, बहुत सारे गांव जाते हैं, यही शिकायत रहता है कि जनसंपर्क में नहीं आते। देखो जी, ऐसा नहीं, गांव में तो दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा नहीं है जी, हम लोग उनको बुलाएंगे ही नहीं तो आएंगे कहाँ से। हाँ, मेरे बात सुनिए ना, बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से। और जिस टाइम में उनको आना रहता है, उनका विधानसभा सत्र लग जाता है, या तो कहीं दिल्ली दौरा पड़ जाता है, कहीं भी, लेकिन किसी को बदनाम करना और ये करना अच्छी बात नहीं है। राजा साहब का मनसा ये नहीं है, बदनाम हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, जनताओं का आरोप है कि राजा साहब दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, जैसे
राजा साहब का मंशा ये है कि आप मेरे को छोड़कर अपने भाई साहब के साथ जाओ करके कभी नहीं बोले हैं और ना बोलेंगे। आप अगर कोई काम है तो डायरेक्ट मेरे से संपर्क करो, हर व्यक्ति को बोलते हैं राजा साहब। लेकिन हम लोग डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते क्योंकि हमारे राजा साहब हैं, आम जनता को भय लगता है राजा साहब के सामने में कैसे जाकर खड़ा रहेंगे करके। इस स्थिति में ना हमारे जनता लोग लुढ़क जाते हैं, एक दूसरे के बात को सुनकर ना राजा साहब के ऊपर में जो आरोप डालते हैं वो सरासर गलत है मेरे नज़र से। राजा साहब हर तरफ माने दौरा कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, हमारे राजा साहब बसना राजा देवेंद्र बहादुर विधायक हैं, लेकिन जितने भी हमारे फुलझर राज्य में जनता हैं सब विधायक हैं। जब राजा साहब विधायक हैं माने पूरे जनता विधायक हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। हाँ, पिछले बार जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें तो त्रिकोणिया था। हाँ, संपत्ति अग्रवाल जी का पर्दा फिर भारी था, उन्होंने 50,000 मत निर्दलीय से प्राप्त किए थे। भाजपा से डीसी पटेल को लगभग 35,000 मिला था। राजा साहब जी को कितना मिला था पता है क्या आपको? हाँ, राजा साहब को मैं था उसमें ना महासमुंद में जी। राजा साहब को हम लोग 18,000 कुछ 600 या 1700 वोट से जीते थे। अच्छा, हमारे भाई साहब को मिला था 50,000 कुछ वोट मिला था संपत अग्रवाल को। डीसी पटेल को 35,000 या कितना मिला था और हम लोग 17,600 या 1700 वोट से जीते थे चुनाव। कितना मिला था नाथ भैया जी आपको पता है? 67,000। तो इस बार क्या लगता है फिर त्रिकोणीय होगा तो देखो तो। हाँ, अभी तो मेरे नज़र में, और देखो तो जनता कोई भी कुछ भी बोल देता है, अभी तो मेरे नज़र में राजा साहब बहुत वोट से जीतेंगे। अच्छा, कम से कम 5,000-10,000 वोट तो उभर आएगा। अच्छा, पिछले के अलावा? हाँ, पिछले का वाला अलावा, मेरा जो दिल जो कहता है उस हिसाब से। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जनपद सदस्य हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का मैंने सदस्य हूँ करके नहीं बोल रहा हूँ, मेरा दिल जो बोल रहा है मैं उसी को बोल रहा हूँ। तो क्या संपत अग्रवाल जी को बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो कड़ी टक्कर देंगे? हाँ, टक्कर तो होगा, टक्कर तो होगा, हाँ टक्कर तो होगा। अगर संपत बिया को मिल जाता है बीजेपी से टिकट तो टक्कर तो होगा, और जिसका बहुमत भारी होगा वो तो चुनाव निकालेगा। इसमें हम नहीं बोल सकते, नहीं आप नहीं बोल सकते।